परिचय रानी गांव में रहती है वह अपनी चचेरी बहन रीता के घर पर आई है रीता का घर रानी के घर से बड़ा और मजबूत है इसमें बहुत सारे कमरे हैं जबकि रानी के घर में केवल दो ही कमरे हैं रीता की मां बड़ी रसोई में भोजन बनाती हैं जबकि रानी की मां अपने गांव के घर के खुले पिछवाड़े यानी पीछे वाले हिस्से में भोजन बनाती हैं इस अध्याय में आप मकानों के बारे में जानेंगे आओ सीखें घर को परिभाषित करना घर की आवश्यकताओं यानी जरूरतों को पहचानना कच्चे तथा पक्के घरों में अंतर करना विभिन्न प्रकार के आवासों की सूची बनाना घर बनाने वाले लोगों के नाम जानना अपने घर को जानना मनुष्य अपने परिवारों के साथ घरों में रहते हैं एक घर छत दीवारों फर्श दरवाजों और खिड़कियों से मिलकर बना होता है एक घर में कई कमरे हो सकते हैं जैसे ड्राइंग रूम यानी बैठक डाइनिंग रूम यानी खाना खाने का कमरा बेडरूम यानी सोने का कमरा रसोई बाथरूम यानी स्नान घर और गोदाम यानी स्टोर रूम होते हैं घर की आवश्यकता एक घर हमें निम्न चीजों से बचाता है गर्मी से सर्दी से बारिश से हवा से जानवरों से और चोरों से हम घरों में खाते हैं सोते हैं काम करते हैं हंसते तथा रोते हैं इसलिए हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है घरों के प्रकार घर मजबूत या कमजोर हो सकते हैं गांवों में घर मिट्टी तथा घास फूस से बनाए जाते हैं ऐसे घरों को कच्चे घर कहते हैं ये कमजोर होते हैं कस्बों तथा शहरों में घर ईंटों तथा सीमेंट से बनाए जाते हैं ऐसे घरों को पक्के घर कहते हैं ये मजबूत होते हैं कुछ अन्य आवास घर आमतौर पर भूमि पर बनाए जाते हैं लेकिन कुछ घर जल और पेड़ों पर भी बनाए जाते हैं जल घर नावों पर बनाए जाते हैं इन्हें नौका घर कहते हैं पेड़ वाले घर लकड़ी के बने होते हैं बहुत ठंडे स्थानों पर घर बर्फ के बने होते हैं ये इग्लूस कहलाते हैं घर निर्माता यानी घर बनाने वाले आओ जानते हैं कि घर कैसे बनता है सबसे पहले एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट घर का डिजाइन बनाता है इसके बाद इंजीनियर और मजदूर ईंटों और सीमेंट का उपयोग करके घर का निर्माण करते हैं एक नया घर बनाने में धन यानी पैसे और समय दोनों ही खर्च होते हैं इसलिए हमें अपने घरों का ध्यान रखना चाहिए हमने क्या चर्चा की घर वह जगह है जहां पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं कच्चा घर कमजोर होता है तथा यह मिट्टी तथा घास फूस से बना होता है पक्का घर मजबूत होता है तथा ये ईंट और सीमेंट से बना होता है एक घर हमें सर्दी गर्मी हवा बारिश जानवरों और चोरों से बचाता है वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट इंजीनियर और मजदूर ये सभी लोग मिलकर घरों का निर्माण करते हैं